675 रुपीज में हमने पॉलट्रॉनिक्स की एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव लिया था और 999 में हमने लिया है डीजी रूट की एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी कंपेयर करके दिखाएंगे, बाकी डीजी रूट की पेंसिल का हम अनबॉक्सिंग करेंगे, टेस्टिंग करेंगे, क्या क्या फीचर्स मिलते हैं सब कुछ आपको बताऊंगा। एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव जो है ना ये काफी इंटरेस्टिंग है, ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी है, तो मैं फटाफट से इसको अनबॉक्स करता हूँ। अमेजोन से हमने इसको परचेस करा है और भाई दिखने में काफी बढ़िया पैकिंग है, मतलब यार सॉलिड पैकिंग है भाई। इससे पहले ये हमने लगभग 650 रुपए की मंगाई थी एप्पल पेंसिल का अल्टरनेटिव। बॉक्सिंग जो थी, इसका बॉक्स जो था वो काफी अच्छा था, प्रीमियम सा फील होता था, लेकिन भाई ये लग रहा है जैसे मैंने ओरिजिनल एप्पल पेंसिल ले ली हो, काफी प्रीमियम क्वालिटी की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो सारे फीचर्स वगैरह दे रखे हैं, कंपेटिबिलिटी भी इन्होंने दे रखी है। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करने से पहले इनकी जो सील है उसको कर लेते हैं ब्रेक, तो इधर मैं इसको निकाल कर दिखाऊं। तो भाई पैकिंग तो काफी जबरदस्त है, ऊपर आप देखेंगे वारंटी कार्ड मिल रहा है, हमें 12 मंथ की वारंटी मिल जाती है। इसके अलावा कुछ यूजर मैनुअल है जैसे कि एलईडी इंडिकेटर, टाइप सी पोर्ट, पावर बटन दे रखा है, रिप्लेसेबल टिप दे रखी है और ये कुछ चीज़ें इन्होंने समझा रखी है हमें। बाकी जो है आफ्टर सेल सर्विस के बारे में इन्होंने चीज़ दे रखी है और एक क्लीनिंग क्लॉथ दे रखा है जिससे हम अपनी स्क्रीन साफ कर सकते हैं आईपैड की। अंदर दिखाऊं तो 3 एक्स्ट्रा हमें टिप मिल जाती है पेंसिल की, इसके अलावा यहाँ पर पेंसिल रखी हुई मिलेगी, इसको हम निकालते हैं साइड में और एक चार्जिंग के लिए केबल मिल जाएगी जो कि टाइप सी केबल है। इसके अलावा बॉक्स में और कुछ नहीं मिलता है, अंदर खोल के दिखाऊं तो कुछ नहीं है, यही है हमारे पास। यहाँ पर देखेंगे अच्छी बात है कि इसमें कोई ब्रांडिंग नहीं मिलती, तो भाई ऐसा नहीं लगता कि आपने किसी और ब्रांड की चीज ले रखी है। अब ये जो थी ना पॉलट्रॉनिक्स की जो मैंने दिखाई थी लगभग मुझे 675 रुपीज की पड़ी थी, तो इसके साथ थोड़ा सा कंपैरिजन करके दिखाऊं ना, पॉलट्रॉनिक्स की जो है ना ये प्लास्टिक बेल्ट के साथ आती है, लेकिन ऐसा नहीं चीप ना भाई, बिल्कुल प्रीमियम, पता भी नहीं चलेगा मेटल है या प्लास्टिक है, मतलब एकदम प्रीमियम क्वालिटी यार। मतलब एप्पल के कॉम्पिटिशन में इन्होंने बनाया अल्टरनेटिव, तो भाई थोड़ी क्वालिटी तो अच्छी मेंटेन करेगी, मतलब बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी मिलती है। यहाँ पर हमें 4 एलईडी इंडिकेटर मिलता है, इसमें दिखाऊं तो हमें 3 एलईडी इंडिकेटर मिलता है। अब 3 एलईडी इंडिकेटर जो है वो आपको वही है 30-35% एक एलईडी जो है इंडिकेट करेगी, ये व्हाइट कलर की दिखाता है और यहाँ पर डबल टैप करने से ऑन होती है, ये ब्लू कलर की एलईडी मिलती है। यहाँ पर डबल टैप से ऑन ऑफ का सिस्टम इसमें दे रखा है, यहाँ पर जो है ना फिजिकल बटन दे रखा है, ये बटन ऊपर आप देखेंगे ना ये प्रेस होता है, तो ये काफी सही चीज है, मतलब यहाँ पर एक्सीडेंटल जो है ना ऑन ऑफ नहीं होगा। ये भले से डबल टैप से ऑन ऑफ होता है लेकिन ये कभी कभी ना मुझसे टर्न ऑन हो जाता है या टर्न ऑफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये सही है, फिजिकली मैं दबाऊंगा तो टर्न ऑन होगा और टर्न ऑफ होगा। बाकी यहाँ पर चार्जिंग के लिए यहाँ पर टाइप सी का आपको स्लॉट मिल जाता है। अब देखो ये मैग्नेटिकली अटैच होती है या फिर नहीं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है इसमें, मैं इसकी अगर ये हटा दूँ ऊपर की रबर इसकी भी हटा देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको अटैच करके दिखाऊं, भाई काफी स्ट्रांग है, होल्ड बढ़िया बन रही है, मतलब ज्यादा स्ट्रांग ऐसा, मतलब है तो स्ट्रांग, देखो गिरेगी भी नहीं है, लेकिन ये जो पॉलट्रॉनिक्स की थी ना ये जो है ना इतनी बढ़िया इसकी होल्ड नहीं थी, जैसे कि मैं यहाँ दिखाता हूँ तो होल्ड जो है इसकी कुछ इस तरह की मिलती है, मतलब एक तो यार ये अपोज कर रहा है, ये थोड़ा सा ना रुक रहा है लेकिन स्ट्रांग नहीं है, ये गिरेगा। यहाँ पर मैं फिर से लगाकर दिखाऊं, दूसरी साइड भी लगाकर अगर दिखाऊं तो यहाँ पर भी चिपक तो रहा है लेकिन ये देखो गिर रहा है, लेकिन ये वाली जो है ना ये काफी बढ़िया स्ट्रांग हमें होल्ड मिल रही है। तो डीजी रूट की ये डेफिनेटली एप्पल पेंसिल के काफी ज्यादा क्लोज जा रही है, थोड़े से हमने पैसे एक्स्ट्रा दिए लेकिन भाई चीज उस लेवल की है, 19-20 का फर्क है, लेकिन 19-20 नहीं ज्यादा ही फर्क है, और यहाँ पर आपको यूज करने में तो कुछ फर्क दिखेगा ही नहीं, दोनों जो है ना सिमिलर ही फीचर आपको देती है, जो डिफरेंस था वो मैंने आपको दिखा दिया है। बस इसको यूज करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको ऊपर से क्लिक करना होगा ऑन हो जाएगा, कुछ ब्लूटूथ वगैरह से कनेक्ट होता नहीं है। अब मैं यहाँ पर लिख कर दिखाऊं तो यहाँ पर सही तरीके से लिखा जा रहा है, यहाँ से मैं कुछ चीज सेलेक्ट करके दिखाऊं आपको तो सब चीज परफेक्ट है, यहाँ पर लिख के दिखाऊं तो सब बढ़िया चल रहा है, टिल्ट करके दिखाऊं मैं आपको, यहाँ पर मैं अगर हाइलाइटर सेलेक्ट कर लूँ तो ये देखो टिल्ट करके कुछ इस तरह का शेड आ रहा है, थोड़ा कम टिल्ट करता हूँ, थोड़ा हल्का टिल्ट और ये ऊपर और ये बिल्कुल टिप से, तो टिल्ट शिफ्ट जो है ना टिल्ट एंगल पर भी काफी सही तरीके से काम कर रहा है।
तो सही तरीके से ये शेडिंग वगैरह चल रही है। बाकी पाम रिजेक्शन देखेंगे, पाम रिजेक्शन भी बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार मैं सब कुछ अंडू कर देता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको अंडू कर दूँ तो भाई हो जाए। आगे क्यों नहीं हो रहा अंडू? कोई नहीं, हम नीचे स्क्रॉल करके आपको यूज़ करके दिखा देते हैं। तो देखो मैंने अपना पाम रख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो लिखा जा रहा है बिल्कुल सही से। जहाँ पर पाम रख रहा हूँ वहाँ पर कुछ स्केच नहीं हुआ है, तो मतलब सारे फीचर्स सही तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी इसकी टिप को रिप्लेस करना है, तो यहाँ से हम इसकी टिप को रिप्लेस कर सकते हैं। थोड़ी घिस जाए तो यहाँ पर आगे से आप देख सकते हो कुछ इस तरह की हमें टिप मिलती है। तो वापस से इसको लगाऊं तो ये कुछ इस तरह से लग सकती है। तो डीजे रूट की पेंसिल काफी कमाल की है। एप्पल की जो टाइप सी वाली पेंसिल आती है सेम वैसी फीचर्स इसमें मिलते हैं। डेफिनेटली आप परचेस कर सकते हो, 1000 रुपए 1200 में भी मिल रही है ना, तो भाई लपेट लो, बढ़िया डील है। बाकी अगर आपका बजट कम है, 600-700 रुपए में आपको पोट्रॉनिक्स की मिल रही है तो वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। आप कौन सी पेंसिल खरीदने वाले हो वो नीचे कमेंट में बता देना, या फिर आप कौन सी यूज कर रहे हो वो भी कमेंट में बता देना। बाकी आईपैड की हमने काफी सारी वीडियोस डाल रखी है और भी आने वाली है, तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।